मंथ वाइज ईयर वाइज लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं, उससे ही हम जाकर फिर क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं। और लेसन प्लान भी एक लिमिट में देख कर बनाया जाता है। अब है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर बाई द टीचर वाइल मेकिंग अ लेसन प्लान। कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमको लेसन प्लान बनाने से पहले देखना पड़ता है? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द एज ऑफ द चिल्ड्रेन। जब हम बच्चों का एज के हिसाब से लेसन प्लान बनाएंगे, सपोज बच्चे क्लास 1 to 5 के हैं तो हम उनके अकॉर्डिंग लेसन प्लान बनाएंगे। अगर बच्चे क्लास 6 to 10 है तो उनके अकॉर्डिंग लेसन प्लान बनाएंगे। क्लास 11 to 12 है तो उनके अकॉर्डिंग हम लेसन प्लान बनाते हैं। मतलब लेसन प्लान बनाने से पहले हमको बच्चों की एजेस देखना बहुत जरूरी है। फिर टॉपिक डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम कौन कौन से मंथ में पढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट है एडिशनल रिसोर्सेज टू सप्लीमेंट द टेक्स्ट बुक। ये नहीं कि हम एक ही बुक को देखकर लेसन प्लान बनाएं, उसके लिए हमको बहुत सारे सप्लीमेंट्री बुक्स भी लेने पड़ते हैं, जैसे कि हम अच्छे से लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकें। फिर है आइए हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान। गुड अच्छा लेसन प्लान बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो लेसन प्लान शुड बी मेड इन अ ब्यूटीफुल मैनर। हमको लेसन प्लान बहुत ही सुंदर तरीके से बनाना चाहिए, प्रॉपर लाइन होना चाहिए, प्रॉपर अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए और अच्छे से पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा रहना चाहिए, जिससे सामने वाले को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसलिए हमको उसको बहुत ही अच्छे मैनर में बनाना चाहिए। फिर इट शुड बी इन आ रिटन फॉर्म। ये हमेशा ओरल फॉर्म में नहीं बनता है, लेसन प्लान हमेशा रिटन फॉर्म में बनता है, जिसके लिए हमको स्कूल से डायरीज वगैरह प्रोवाइड होती है, लेसन प्लान कॉपी प्रोवाइड होती है, जिसमें हम लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं, वो भी रिटन फॉर्म में। फिर सब्जेक्ट टाइम क्लास टीचिंग मैथड शुड बी मैंशन इन द लेसन प्लान। हमको पूरे क्लास कहाँ कहाँ क्लास लेते हैं, अगर सपोज क्लास 5th में क्लास ले रहे हैं तो उसका लेसन प्लान बनेगा, क्लास 7th में क्लास ले रहे हैं तो उसका लेसन, तो ये हर लेसन प्लान में हमको इंडिविजुअल डिस्क्राइब करना पड़ता है, उसमें लिखना पड़ता है कि कौन सी क्लास का है, कौन से सब्जेक्ट का है, ये सब चीज़। फिर है नेक्स्ट है इन लेसन प्लान जनरल एंड स्पेसिफिक एम शुड बी क्लियरली डिफाइंड। इसमें हम लोगों को सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य दोनों लिखना बहुत ही जरूरी होता है लेसन प्लान में, जिससे सामने वाले को समझ में आए कि इस चैप्टर को पढ़ाने का हमारा उद्देश्य क्या है। फिर है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को भी हमको प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ता है, जिससे सामने वाले को समझ में आ जाए कि किसके बाद हमको क्या पढ़ाना है। ये लेसन प्लान बनाने से पहले हमको हर चैप्टर को अच्छे से रीड करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमको चैप्टर्स को बनाना पड़ता है, उसमें इवेल्यूशन भी करना पड़ता है, उसमें इवेल्यूशन असाइनमेंट के टॉपिक्स भी लिखने पड़ते हैं हमको लेसन प्लान में। असाइनमेंट इवेल्यूशन करने के लिए असाइनमेंट्स बनाते हैं बच्चों के लिए, जिससे हम लोग सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं बच्चे खुद के लिए कि वो कैसा उनका मतलब पढ़ाई कैसा चला, किससे उसके अकॉर्डिंग वो लोग आंसर दिए कि नहीं, इसलिए सब पूरा चीज़ हमारा लेसन प्लान में आता है। आइए अब हम इसका देखते हैं क्या प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लान। प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लान में फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हम लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, जिससे कि सामने जब बच्चा अच्छे से समझ रहा है कि नहीं, उसको अच्छे से बोलना आ रहा है कि नहीं, ये नहीं कि हम जाकर उसको पढ़ा दिए, उस क्लास में गए हैं तो बच्चे को ये इंग्लिश पढ़ना भी आना चाहिए, वो हर वोकैबुलरी उसको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर उनको पढ़ना ही नहीं आएगा और जाकर पढ़ा दें तो ये हमारा जनरल एम्स नहीं है। हमको ये भी देखना है कि वहाँ जाकर बच्चे अच्छे से बोल रहे हैं कि नहीं, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ हमारा ऑब्जेक्टिव्स में आता है, जनरल एम और स्पेसिफिक एम्स में। ये वहाँ जाकर बच्चे अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, ये सब भी हमको देखना पड़ता है, स्पीक कर रहे हैं कि नहीं, राइट लिखना आ रहा है कि नहीं, उन लोगों को प्रॉपर लिख रहे हैं कि नहीं लाइन में। अगर हम छोटे क्लास के बच्चों के पास जाते हैं, सपोज नर्सरी क्लास 1 क्लास 2 के बच्चे में जाते हैं, तो वहाँ हमको राइटिंग स्किल ज़्यादा देखना पड़ता है। रीडिंग हो रहा तो बच्चे कर ही लेते हैं पोयम रेसिटेशन में, बट उनको हमको रिटन फॉर्म में देखना पड़ता है कि बच्चे सही, अगर हमारा 4 लाइन की कॉपीज है तो उसमें हिंदी लिखवाते हैं तो हिंदी प्रॉपर लाइन में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तो दूसरा आता है हमारा इंग्लिश कॉपी। इंग्लिश कॉपी में उनका 4 लाइन का रहता है, उसमें हम लोग प्रॉपर वर्ड्स को लिख रहे हैं कि नहीं, ये सब हमको देखना पड़ता है। स्क्वायर बॉक्स में 1 2 अच्छे से रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ हमारा ऑब्जेक्टिव्स है। मतलब हमारा पढ़ाना ही बस उद्देश्य नहीं रहता, जाकर बच्चों को